बेसन का हलवा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब होता है बेसन का हलवा। इस हलवे को आप बृहस्पतिवार के व्रत में खा सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आज मैं आपको बेसन का हलवा बनाना बताऊंगी। तो इस बेसन को हलवा बनाने के लिए देखिए, मैंने कुछ सामान लिया है। यहाँ एक कटोरी मैंने बेसन लिया है, घी लिया है, एक आधा कटोरी चीनी लिया है और ये ड्राई फ्रूट्स है, ये दूध है। ये सामग्री मुझे चाहिए बेसन का हलवा बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं बेसन का हलवा। इसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक मतलब बड़े चम्मच मैंने घी लिया है। सबसे पहले इसमें घी ज़्यादा लगता है बेसन के हलवे में, तो अगर आप कम डालना चाहते हैं तो थोड़ा मात्रा कम कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने घी डाल दिया है। सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स है वो उसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो ड्राई, इसको मुझे फ्राई कर लेना है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे थे, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर। तो देखिए ये ड्राई फ्रूट जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैं इसको सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साइड में निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छा बनता है ये बेसन का हलवा और आप ऐसे भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बृहस्पतिवार के व्रत में ही बनाएं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने घी का यूज़ किया है वो भी होममेड घी है। तो मैंने एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो टू मीडियम रखा है, उसी क्योंकि ये जो बेसन है बहुत ही मध्यम आंच में भुना जाता है, तभी इसके हलवे जो हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम एकदम लो टू मीडियम रखना है। और आपकी जैसे कढ़ाई किस टाइप की है, अगर आपकी मोटे तले की कढ़ाई है तो थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा तेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पतले तले की है तो आप एकदम लो रखिए। और मेरी मीडियम है तो मैंने लो टू मीडियम रखा है, इस हिसाब से आप मतलब गैस का फ्लेम रख सकते हैं। तो बेसन को अगर आप जब हलवा बना रहे हैं उससे पहले आप छान जरूर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि गुठलियाँ नहीं बनती हैं। अगर आपका बेसन छना रहता है तो गुठलियाँ नहीं बनती हैं। और एक चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कभी कभी होता है ना कि घी मिक्स करते समय छोटी छोटी गुठलियाँ रहती हैं, तो इसलिए उसको दबा दबा के पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है कि कहीं भी कोई गुठलियाँ ना रहे और एकदम इक्वल सारे जो बेसन है एक बराबर भुने। तो ऐसा ना हो कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा रहे। तो ये जो हलवा होता है इसके भुनने में ही सारी खूबी होती है। तो ये देखिए बेसन इधर से हल्का सा भुना रहा है, इसकी हल्की हल्की सी महक आ रही है। तो आप इस तरह का हलवा बृहस्पतिवार को बना खा सकते हैं व्रत में। और बहुत ही ये इसमें देखिए घी भी अच्छी मात्रा में पड़ा है और ड्राई फ्रूट भी रहता है, दूध भी रहता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी पौष्टिक हलवा होता है। तो अब देखिए एक से दो मिनट हो चुके हैं, महक अब आने शुरू हो चुकी है और अब मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा और लो कर दिया है एकदम, ताकि कहीं से नीचे से ना लगे। और इसको मैं लगातार चारों तरफ से घुमा घुमा के चला रही हूँ, तो बहुत ही अच्छी महक आ रही है। और इसको देखिए मुझे ऐसे अभी इसको थोड़ा और भुनना है। तो मैंने बताया कि चाहे आप बेसन का लड्डू बना रहे हों, चाहे बेसन का हलवा बना रहे हों, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेसन जो है अच्छे से भुना हो। और जैसे बेसन जो है अगर आप एक बार बनाने से पहले छान लेते हैं तो कहीं उसकी गुठलियाँ नहीं बनती। और बहुत लोग का कमेंट होता है कि जैसे आप बेसन का लड्डू खा रहे हैं तो वो मुंह में जैसे आता है कच्चापन लगता है। तो ये है कि लोग क्या होता है कि कहीं तेज़ आंच करके कहीं अच्छे से भुनता है, कहीं अच्छे से नहीं भुनता है, तो वो भी मतलब थोड़ा इसलिए कच्चापन लगता है। तो यहाँ पर देखिए बेसन अच्छे से भुन चुका है, मैं यहाँ पर थोड़ा करके पूरा दूध डाल दूँगी। तो जैसे एक कटोरी में ये एक गिलास पूरा दूध लग जाएगा। तो मैंने इस तरह सारे दूध को डाल दिया है और मैंने यहाँ पर भी गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है ताकि ये और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए इसको दबा दबा के मुझे अच्छे से चलाना है। तो बहुत ही अच्छा हलवा बनता है, बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। बहुत लोग इसमें जैसे खोआ डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। और देखिए मैंने चीनी जो है डाल दिया है। आप चीनी अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो चीनी कम डालिएगा, ये आपके स्वाद के अनुसार है कि आप
कैसा मीठा खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जैसे गुड़ भी डाल देते हैं, वो भी अच्छा होता है। तो आप गुड़ अगर डाल रहे हैं तो गुड़ को पहले पानी में गुड़ और उसको अच्छे से मेल्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद छान के तब आप दूध की जगह वो डालिए, उसका भी बहुत ही अच्छा हलवा बनता है। तो ये देखिए अच्छे से अब भुन चुका है। मैंने यहाँ फिर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रख दिया है, और ये देखिए अच्छे से अब जो घी है अच्छे से देखिए कढ़ाई को छोड़ चुकी है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हलवा बनता है। और यहाँ पर देखिए आपको पूरी कढ़ाई पकड़ के अच्छे से चलाना पड़ता है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेसन का हलवा बनाते समय कहीं भी गुठलियाँ ना रहें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट था उसको कट करके रखा था, वो भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा हलवा देखिए आ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कलर भी डाल सकते हैं, मैंने कोई कलर नहीं डाला है। लेकिन अगर आप और अच्छा कलर मतलब दिखाना चाहते हैं तो या तो आप केसर वाला दूध डाल दीजिए, तो उससे भी बहुत ही अच्छा कलर आता है। मैंने केसर वाला दूध नहीं डाला है। तो बस मेरा हलवा बस बन गया है, और अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो देखिए बस बंद हो चुका है, लेकिन गैस का फ्लेम बंद करने के बाद भी आपको इस तरह लगातार चलाते रहना है कि कहीं नीचे से ना लगे। तो इस तरह मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको चला के अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी। अगर आप बेसन की जगह चने दाल का भी हलवा बना सकते हैं, और मैंने चने दाल की बर्फ़ी का भी वीडियो डाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम अब रेडी हो चुका है, मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बेसन का हलवा होता है। और अब मैंने गैस को बंद कर चुका है, और अब मैं इसको प्लेट में निकालूँगी। तो बस मैं इसको प्लेट में निकाल दूँगी और ऊपर से ड्राई फ्रूट से सजा दूँगी। तो ये मेरा टेस्टी हेल्दी बेसन का हलवा एकदम तैयार है। और इस हलवे को बनाते समय आपको मैंने बताया है कि एक दो चीज़ों का आपका ध्यान रखना है कि कहीं भी आपकी गुठलियाँ ना बने। इससे पहले आपको बेसन को छान लेना है, और बेसन को अच्छे से भूनना है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये बेसन का मेरा हलवा एकदम रेडी है। देखिए कितना टेस्टी कितना हेल्दी बेसन का हलवा तैयार हुआ है। और आप इसे बृहस्पतिवार के व्रत में भी खा सकते हैं, और आप ऐसे किसी तीज त्यौहार पर भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। आपको व्रत में कम घी वाला हलवा खाना है तो यहाँ पर आप बेसन की पहले थोड़ा सा भून लीजिए, और बाद में थोड़ा थोड़ा करके आप घी डालिए, तो उसे भी बहुत ही टेस्टी बेसन का हलवा लगता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।